हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लीमा, दैट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ये मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल, वेयर इज इट लाइज इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट स्किन है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, फंगल सेल में भी सेल वॉल चूंकि पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल, इन सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूजुअली 7 मिलीमीटर इन थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो 7 मिलीमीटर है। आज के टॉपिक में हम 3 एस्पेक्ट पे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द फर्स्ट वन दैट इज कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है। सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कम टू द फर्स्ट वन, कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स इन द रेंज ऑफ 60-80%, लिपिड्स 20-40%, इन ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अप टू 5%। तो अप टू 5% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाकी तकरीबन मैक्सिमम लेवल अगर हम ले लें तो 40% तक लिपिड्स पाया जाता है और 80% तक प्रोटीन पाया जाता है। कम टू द फर्स्ट प्रोटीन्स, 3 कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स पोजिशन के लिहाज से दो किस्म के हैं प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स या सरफेस प्रोटीन्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं, चाहे इनर सरफेस हो चाहे आउटर सरफेस हो। ये देखिए, ये आउटर सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है, या दिस वन, दिस इज आल्सो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इनको, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहा जाता है, सरफेस प्रोटीन भी कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म का नाम है इंट्रेंसिक प्रोटीन्स या इंटेग्रल प्रोटीन्स। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ये देखिए, ये कंप्लीट एम्बेडेड है, जबकि ये पूरा पूरी डायमीटर को कवर कर रहा है ये, तो ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है। तो कुछ कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंट्रेंसिक फॉर्म में वो पूरी डायमीटर को कवर कर रहे हैं, लिपिड बाइलेयर को कवर कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स के बाद नेक्स्ट वन लिपिड्स। लिपिड्स, दो किस्म के लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो डिटेल इंशाल्लाह फिर लिपिड्स में होगा या मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में होगा, या हम सरफेस भी बता रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या है, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ H3PO4। H3PO4 ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक मॉलिक्यूल है ग्लाइसरॉल का, C3H8O3। तो ये ग्लाइसरॉल, जिसको शुगर अल्कोहल भी कहा जाता है, और ये सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि इसमें OH ग्रुप पाया जाता है। OH ग्रुप की मौजूदगी की वजह से ये सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4, ये H3PO4, फिर इसके बाद ग्लाइसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH, यानी C3H8O3, एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल का, एक फॉस्फेट ग्रुप का, और दो फैटी एसिड्स। ये देखिए, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है। फैटी एसिड को जाहिर किया गया है RC OH, आर ये शो कर रहा है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि लिपिड में हाइड्रोकार्बन चेन पाया जाता है, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं मेजॉरिटी, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसके साथ कार्बोक्साइल ग्रुप है C OH, ये देखिए RCOOH, ठीक है। तो डिटेल मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उधर पढ़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, कौन सा प्रोसेस होता है, बस सिंपली एक फॉस्फेट ग्रुप, दो फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है।
फास्ट फॉस्फोलिपिड का शेप किस तरह है, ये देखिए, ये एक फास्ट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। फास्ट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो रीजन है, दो हिस्से हैं। ये जो सर्कुलर या सर्कुलर फॉर्म आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट हिट। दिस फॉस्फेट हिट इज फॉर्म बाई फॉस्फेट एंड ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल और फॉस्फेट आपस में मिलकर ये हेड बना रहा है। फॉस्फेट हेड है और दो फैटी एसिड्स है, दो मॉलिक्यूल्स है फैटी एसिड्स में, यानी दो टेल्स है। ईच टेल डिनोट्स वन फैटी एसिड, एक फैटी एसिड है दूसरा फैटी एसिड। सो द फॉस्फेट हिट दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, इट एब्जॉर्ब वाटर, इट हैज द एबिलिटी, इट हैज द कैपेबिलिटी, इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब वाटर। जबकि टेल्स, दो टेल्स हैं, टेल हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है एंड टेल या फैटी एसिड्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। फॉस्फेट है हाइड्रोफिलिक है और पोलर है, इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, और ये हाइड्रोफोबिक है, रेपेलेंट है, वाटर रेपेलेंट है। अभी जो ये देखिए, ये दो फैटी एसिड्स हैं, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का दूसरा, दोनों में फर्क है। जो स्ट्रेट है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड को जाहिर कर रहा है, जो बेंड जिस फैटी एसिड मॉलिक्यूल में बेंडिंग नजर आ रही है लोगों को, तो ये अनसैचुरेशन जाहिर कर रहा है फैटी एसिड के। ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। तो ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। अभी ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना रहा है प्रोटीन के साथ और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो ये केमिकल कंपोजिशन है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो स्ट्रक्चर इन के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइमिंग में एक मॉडल पेश किया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पेश किया है, लेकिन जो लेटेस्ट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन इन 1959 में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसी मॉडल के मुताबिक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फोर लेयर्स, अ लिपिड बाई लेयर यानी दो लेयर्स लिपिड मॉलिक्यूल्स की हैं, एक लिपिड लेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज वन लिपिड लेयर, दिस इज अनदर लिपिड लेयर, और इसके ऊपर प्रोटीन लेयर है और इसके नीचे भी प्रोटीन लेयर है। सो द लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच बाई टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आप ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, प्रोटीन लेयर को लिपिड लेयर को जाहिर करें, दूसरा लेयर ब्रेड ले लें स्लाइस, तो ये सेकंड लेयर हो गया, और इसके ऊपर दो लेयर्स और रखिए, नीचे से भी ऊपर से भी। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देयर आर फोर लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाय लेयर सैंडविच बाय टू प्रोटीन लेयर्स। एनी हाउ दिस मॉडल हैज बीन सुपरसीडेड बाय अ न्यू वन, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। जो एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो सबसे लेटेस्ट पेश किया गया है, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को निगेट कर रहा है, दैट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल इट वॉज प्रपोज बाई सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। निकोलसन और सिंगर ने पेश किया है 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स के दो लेयर्स हैं इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। नाम से जाहिर क्या करा रही है, देखिए फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब है कि द लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन मोजेक मैनर, देयर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड। प्रोटीन मॉलिक्यूल स्कैटर्ड है, ये देखिए एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तीसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और दो लेयर्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फास्फोल जो लिपिड्स की वजह से बनी हुई है, ठीक। सो ये लिपिड बाय लेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड। इसका एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक दुपट्टा ले लें, ये एक शीट है, फर्ज करें आउटर शीट है, इनर शीट है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर लोअर साइड से भी अपर साइड से भी मुकेश की जाए, मोजेक
मुकेश को कहते हैं, केशी जकारियो हो जाए, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसी तरह इसी लिपिड बाइलेयर में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स, अगर आप देखें लिपिड बाइलेयर में, तो लिपिड बाइलेयर के अरेंजमेंट किस तरह है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज के टेल्स दी टेल्स ऑफ दी बोट लेयर दे फेस ईच अदर, जबकि फास्फेट हिट एक्सटीरियर साइड पे होता है, इस एक्सटीरियर साइड पे भी इंटीरियर साइड पे भी। ये सेल का इनर पोर्शन है और ये आउटर पोर्शन है। यहाँ पे इंट्रा सेलुलर लिक्विड है यानी एक्विस मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर आउटर एनवायरनमेंट हो गया या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हो गया। अभी यहाँ पे देखें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और लिपिड बाइलेयर के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कार्बोहाइड्रेट्स मानी कार्बोहाइड्रेट्स जो स्मॉल प्रोपोर्शन है 5% तक, जिस तरह पहले बात की गई है, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर इधर अटैच टू प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। ये देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के साथ में कि क्या बनाता है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट को जाहिर कर रहा है और प्रोटीन, सो कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइको प्रोटीन। जबकि कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ यानी ये फास्फेट हेड है इसके साथ अगर अटैच हो जाए तो फिर ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ये भी मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये सरफेस पे होते हैं आउटर सरफेस पे, इसका रोल है फंक्शन में। तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स दे कलेक्टिवली फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग या द कवरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स और आउटर सरफेस पे होते हैं। इसके अलावा ये देखें फैटी एसिड्स के साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, फैटी एसिड्स के साथ या तेल्स के साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी मौजूद है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह कहा जा रहा है कि दैट इज जस्ट लाइक ए फ्लूइड इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग। तो ये लिपिड बाइलेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसमें लिपिड मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो फ्लूइडिटी इसमें मौजूद है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरह, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये फैटी एसिड्स एक दूसरे से मतलब अलायदा हो जाते हैं, तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का रोल है फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर चूँकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये सेपरेट हो जाते हैं दूसरे से और फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रिंजेंट बन जाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि फैटी एसिड मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल एलान कोलेस्ट्रॉल, इनका रोल क्या है, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल अगर फिर मॉलिक्यूल में आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल में, यहाँ पर ये सब याद रखें। फिर इसके बाद फंक्शन है, फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, हम बार बार कह रहे हैं कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। किस तरह, इट सेलेक्ट्स द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। किस तरह, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है, ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स है या कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज मॉलिक्यूल्स कैन पास इजीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई हर्डल नहीं है, आसानी के साथ एंटर हो सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट है, मैकेनिज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल है या पोलर है, चूँकि यहाँ पे पोलर रीजन मौजूद है हिट की फास्फेट हिट की शक्ल में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या आयन मुख्तलिफ आयनिक मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स,
लेकिन नॉट पॉसिबली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके लिए फिर अकाउंट मैकेनिज्म है। ये इंटेग्रल प्रोटीन है तो ये एज ए चैनल प्रोटीन काम कर रहा है। तो चैनल प्रोटीन या एज ए टनल प्रोटीन काम कर रहा है। चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन प्रोवाइड अ पैसेज टू दीज आयंस टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे सिंपली एंटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोर्स की जरिए, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। सिंपल डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ओरिजिन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है। फिर इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये जो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स चैनल प्रोटीन के जरिए अंदर जा रहे हैं, तो इसके लिए जो मैकेनिज्म वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यानी डिफ्यूजन सिंपल वही मूवमेंट है, वही ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कौन फैसिलिटेट कर रहा है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो द एंट्री ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स या चार्ज स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों पेसिव ट्रांसपोर्ट के किस्म है। पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज अ मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट दिस नो एनर्जी स्पेंड हेयर इन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि स्पेशल प्रोटीन मौजूद है, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, मुख्तलिफ आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। कुछ मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज के होते हैं विच कैन नॉट पास इजीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन के जरिए या सिंपल पोर्स के जरिए, तो फिर इसलिए और मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या ये भी पॉसिबल है कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन आयंस है, चार्ज मॉलिक्यूल है पोटाशियम सोडियम मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। वो पेस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की शक्ल में होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन्स दी शेप ऑफ ए सेल, चूंकि इस लिपोप्रोटीन इन नेचर है तो एक शेप को मेंटेन कर रहा है। किस तरह? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन बन जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है स्केलेटन में, स्केलेटन फॉर्मेशन में, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो ये शेप को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा कुछ जिस तरह हम कह रहे हैं कि फंक्शन की लिहाज से मुख्तलिफ प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं, तो कुछ प्रोटीन मालिक्यूल्स एज ए रिसेप्टर काम कर रहे हैं एंड दे कंट्रोल द सेल सिग्नलिंग, कि सेल के अंदर कौन सा मालिक्यूल आ रहा है। लेट सपोज ब्लड ग्रुप में देखें तो ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस का रोल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है द रोल इन द रिकॉग्निशन ऑफ सेल, कि बाहर से कोई चीज आ रही है तो ये ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइको लिपिड्स या ग्लाइको कैलेज इसको कहते हैं, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है या नहीं है। तो इसके लिए स्पेशल ये ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइको लिपिड्स का रोल है कि सेल के लिए सेल में जो चीज़ जा रही है उसको रिकॉग्नाइज करें और इसी के मुताबिक फिर रिस्पॉन्स दे दें। द लास्ट वन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज ए रोल इन एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, ये डिटेल इंशाल्लाह फिर अलग पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एंडो मीन्स एंट्री या इनर, और साइटोसिस मीन्स साइटोप्लाज्म, इनर टू द साइटोप्लाज्म, एंट्री टू द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब क्या है? द एंट्री ऑफ एनी सब्सटेंस, द एंट्री ऑफ एनी सब्सटेंस, द इंजेक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, द इनटेक ऑफ एनी सब्सटेंस टू द सेल बाय एनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्ज करें ये एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बाहर से कुछ चीज आ रही है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इसकी एंट्री मुमकिन नहीं है, लार्ज साइज है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनफोल्ड, डिटेल बहुत सारी बातें इसमें लेकिन मैं वो नहीं बता रहा अभी,
सर फंक्शन के बारे में कह रहा हूँ, the entry of any substance by enfolding the plasma membrane is called endocytosis. Endocytosis. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पोर्शन फिर आइसोलेट होगा और ये वेसिकल बनेगा, फिर जहाँ भी इसकी जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट होगा उनके लिए और ये पोर्शन दोबारा रिपेयर हो जाता है. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग. तो एंडोसाइटोसिस में इसका रोल है. फिर एंडोसाइटोसिस के दो किस्में हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस फेज से लिया गया है, फेज मीन्स ईटिंग और पीनो का मतलब है ड्रिंकिंग. तो फेगोसाइटोसिस द ईटिंग फिनोमेनन, द ईटिंग फिनोमेनन ऑफ ए सेल बाय एनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, या सिंपली द ईटिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. यानी द एंट्री ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड ऑब्जेक्ट टू द सेल बाय एनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस द एंट्री of a liquid substance, the drinking process, the drinking phenomenon of a cell is called pinocytosis. तो मैं revise कर रहा हूँ, just कि plasma membrane outermost boundary है animal cell में, जबकि plant cell में, fungal cell में और bacterial cell में ये cell wall के अंदर पाया जाता है. chemically ये proteins, lipids और carbohydrates की बनी हुई है. proteins में दो किस्में हैं position के लिहाज से, peripheral और integral. पेरिफेरल प्रोटीन इनर और आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं, जबकि इंट्रेंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, लिपिड फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में मौजूद है. फास्फोलिपिड फास्फेट ग्रुप, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स का कम्बिनेशन है और शेप इस तरह है. फास्फेट हेड है और दो टेल्स हैं. टेल्स फैटी एसिड्स को जाहिर कर रहा है और हेड ये फास्फेट ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ मिलकर इसको जाहिर कर रहा है. तो हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है. ठीक, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर है. तो जो एक्सेप्टेबल मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल इन विच अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड. फंक्शन सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन है. सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है. एक्ट्रियो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी पाया जाता है जिसमें एटीपी का इस्तेमाल है, एनर्जी इस्तेमाल होती है. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट हैज अ रोल. द रिसेप्टर प्रोटीन्स या स्पेशल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स में देखें जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल को किस तरह पता चल जाता है. तो सेल सिग्नलिंग एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल सिग्नलिंग होती है. इसके अलावा सेल रिकग्निशन फॉरन ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज किया जाता है और एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. दी एंट्री ऑफ लिक्विड सब्सटेंस बाय एनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पिनोसाइटोसिस. द इंजेक्शन ऑफ या द इनटेक ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय एनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज